वेलकम गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पावर सिस्टम का जो हमारा मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पावर सिस्टम के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या पावर सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इंट्रोडक्शन, तो पावर सिस्टम को देखिए तीन पार्ट में हम मेनली डिवाइड कर रहे हैं। पहला जेनरेशन, और जो दूसरा है वो है ट्रांसमिशन, और जो तीसरा है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। बट जब हम अपना पावर सिस्टम का कोर्स कंप्लीट कर रहे होंगे तो उसमें एक चौथा पार्ट है फॉल्ट एनालिसिस। पांचवा हमें पढ़ना है प्रोटेक्शन, स्विच गियर। स्विच गियर है प्रोटेक्शन, और सिक्स हमें पढ़ना है लोड फ्लो एनालिसिस। और जो बाकी आपके सब टॉपिक्स हैं जैसे पर यूनिट सिस्टम हो गया, और ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं ये इन्हीं किसी के अंदर होंगे। मैं सब टॉपिक्स आपको नहीं बता रहा हूँ, हम बस एक एक टॉपिक लेके पूरा कंप्लीट करते चलेंगे। बस ये मान के चलिए कि आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होने वाला है, राइट। और सातवां जो मेन टॉपिक है, मैं सिर्फ मेन टॉपिक आपको बता रहा हूँ, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, राइट। तो हम जो अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे यहाँ पे वो करेंगे ट्रांसमिशन से, राइट। बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे ताकि जो जेई लेवल के एग्जाम दे रहे हैं बच्चे उनके लिए भी बेनिफिशियल हो, या आप गेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी बेनिफिशियल हो, करेक्ट। तो अब एक चीज और देख लीजिए कि अभी हम रिकॉर्डिंग में पढ़ रहे हैं, मतलब मैं अभी रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, बस 2-3 दिन बाद हम लाइव पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, राइट। क्योंकि अभी थोड़ा वाईफाई का प्रॉब्लम है, और 2-3 दिन बाद जैसे ही वाईफाई लग जाता है हम लाइव क्लासेस लेंगे, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन लाइन। टॉपिक आपका एक एक करके पूरा हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला जो टॉपिक है ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का काम क्या होता है गाइस? देखिए सबसे पहले हम पावर को जनरेट करते हैं। एक जनरेटिंग स्टेशन है जहां पे आपका लगा हुआ है अल्टरनेटर या जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर जिसे आप बोलते हो, यह है जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन, हमने पावर तो जनरेट कर लिया, बट आपका जो लोड है ये आपका लोड लगा हुआ है, मतलब मान लीजिए ये आपका घर है। अब इस जनरेटिंग स्टेशन पे जो पावर हमने जनरेट किया है उसे हमें लोड तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे? कोई ना कोई हमारे पास एक मीडियम होना चाहिए जिससे हम उस पावर को जो हमने जनरेटिंग स्टेशन पे विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर जनरेट किया है उसे अपने लोड तक पहुंचा पाए, तभी तो हम उस पावर को यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम जनरेशन जनरेटिंग स्टेशन टू लोड। यह है ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन। तो अब ये जाहिर सी बात है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो किसी न किसी कंडक्टर की बनी होती है, राइट। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप, मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, राइट। तो ट्रांसमिशन लाइन को बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कॉपर का यूज कर लीजिए या एल्यूमिनियम का यूज कर लीजिए। ट्रांसमिशन लाइन जो बनी होती है ये आप चाहे कॉपर की यूज कर लो या एल्यूमिनियम की यूज कर लो, ये दोनों कंडक्टर। तो आप मुझे बताइए कि हम जो प्रैक्टिकल अभी हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उसमें कॉपर यूज नहीं होता है, उसमें हम सिर्फ यूज करते हैं एल्यूमिनियम। ऐसा क्यों होता है?
why we use copper, why we don't use copper, we use only aluminium in our practical transmission lines. तो एक क्वेश्चन के तौर पे ऐसे लिख लीजिए, why we use aluminium, why not copper, why we use aluminium, why not copper. कॉपर का यूज हम क्यों नहीं करते हैं, सिर्फ एल्यूमिनियम ही यूज क्यों किया जाता है, राइट? तो सबसे पहला जो सबको पता होता है, ये जो रीजन मैं सबसे पहला रीजन आपको बताने जा रहा हूँ, ये सभी को पता होता है कि एल्यूमिनियम सस्ता होता है, कॉपर महंगा होता है, राइट? तो पहला जो पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम इज, कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस as compared to copper, right? तो मैं आपको नोट्स भी देता जाऊंगा, तो आप अपना नोट्स प्रिपेयर करते जाइए साथ साथ. दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, ये भी आपको पता होगा, जो एल्यूमिनियम है उसकी डेंसिटी कम होती है, मतलब जो एल्यूमिनियम है वो हल्का होता है as compared to copper. तो अगर हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं तो जो टॉवर पे स्ट्रेस है वो नहीं आता है. जैसे हम ट्रांसमिशन लाइन को कैसे लेके जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ टॉवर, ये एक टॉवर है, ये दूसरा टॉवर है. तो ट्रांसमिशन लाइन मान लीजिए यहाँ से आई और कुछ ये शेप बना के, फिर यहाँ तीसरा टॉवर होगा आगे, वो मैं शो नहीं कर रहा हूँ. तो आपने देखा होगा कि अगर ये ट्रांसमिशन लाइन हम कॉपर की बना लेते हैं मान लीजिए, तो क्या होगा, कॉपर क्या होता है, भारी होता है, मतलब वेट ज्यादा होता है कॉपर का. तो ये जो टॉवर है, ये टॉवर और ये टॉवर, इस पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ जाएगा, राइट? जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है या एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए हम कॉपर का यूज करते हैं, सॉरी एल्यूमिनियम का यूज करते हैं. तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लीजिएगा, एल्यूमिनियम इज लाइटर इन वेट, lighter in weight, right? ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, so towers will not get stressed, so towers will not get stressed, right? तो ये दो पॉइंट आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे. तीसरा पॉइंट जो है, एल्यूमिनियम की जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा होती है, इससे हमें क्या फायदा है? मतलब कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं तो सोच समझ के कर रहे होंगे, क्योंकि हमें वहां पे कुछ एडवांटेज मिल रहा होगा, इसलिए हर चीज का एक रीजन है. देखिए, इलेक्ट्रिकल पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसके पीछे का रीजन जानिए कि ऐसा क्यों है. हम कुछ कोई इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं या कोई मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसके पीछे का कोई रीजन है, वो रीजन आप जानने की कोशिश करें, जो इलेक्ट्रिकल है वो आसान हो जाएगा. तो एल्यूमिनियम की जो रेजिस्टिविटी होती है, हम बहुत आराम से कंप्लीट करेंगे पावर सिस्टम को, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं है. मैं डेली आपको 2 से 2.5 घंटे की जो क्लास है वो दूंगा और 2-3 दिन बाद लाइव करेंगे. रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, मैं सिर्फ बता भी सकता था कि कॉपर जो है वो महंगा आता है, एल्यूमिनियम लाइट इन वेट होता है, बट मैं एक एक पॉइंट को लिख रहा हूँ ताकि आपका नोट्स भी प्रिपेयर होता जाए और आप अच्छे से पढ़ पाओ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनका लर्निंग प्रोसेस है वो स्लो होता है, कोई कोई बहुत जल्दी गेन कर लेता है. तो मैं चाह रहा हूँ सबको साथ लेके चले, राइट? तो रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर than copper. तो इसका मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की ज्यादा है कॉपर से, इसका मतलब है कि जो एल्यूमिनियम है वो पुअर कंडक्टर है विथ रेस्पेक्ट टू कॉपर, राइट? तो आप चाहो तो लिख सकते हो ब्रैकेट में कि एल्यूमिनियम इज पुअर कंडक्टर देन कॉपर और कॉपर इज अ गुड कंडक्टर देन एल्यूमिनियम. मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर
विथ रिस्पेक्ट टू रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर. ये जो रो है ये रजिस्टिविटी का साइन होता है, राइट. अब हम मान लेते हैं कि एल्यूमिनियम और कॉपर का रेजिस्टेंस सेम है, राइट. हम जानते हैं R इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा. R इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए. तो लेट द रेजिस्टेंस ऑफ बोथ मटेरियल is same. So R is equal to rho L upon A. So resistance of aluminium is equal to resistance of copper. अब एक चीज और देख लीजिए, बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि resistance और resistivity में क्या अंतर है. तो resistance जो होता है वो पूरे conductor का निकाला जाता है, right? जिसकी unit होती है ohm. बट जो रेजिस्टिविटी है वो पर यूनिट लेंथ का निकाला जाता है. जैसे मान लीजिए आपके पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो 10 किलोमीटर और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो 1 किलोमीटर की है, तो वो राइट. तो रो हो जाएगा कितना, 2 ओम मीटर, राइट. और अगर आपको पूरे कंडक्टर का निकालना है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, राइट. आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो पूरे कंडक्टर का होता है, बट जो रेजिस्टिविटी है वो पर यूनिट लेंथ की निकाली जाती है, करेक्ट. तो इसीलिए हमने माना है कि जो पर यूनिट लेंथ है यानी कि जो रेजिस्टिविटी है वो एल्यूमिनियम की ज्यादा है कॉपर से. और मान लीजिए कि एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस कॉपर के रेजिस्टेंस के बराबर है, तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. तो रो यानी कि रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम. अब लेंथ तो सेम रहेगी, राइट. लेंथ में तो कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे आप एक धागा भी 100 किलोमीटर का ले लीजिए या 100 किलोमीटर का आप एल्यूमिनियम ले लीजिए, दोनों तो लेंथ बराबर रहेगी. तो रो मल्टीप्लाइड बाई एल अपॉन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इंटू लेंथ. लेंथ बराबर रहेगी, राइट. एरिया ऑफ कॉपर, तो आप देख सकते हो जो लेंथ है वो कैंसिल आउट हो गया, राइट. लेंथ जो है वो आपका कैंसिल आउट हो गया. तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि इफ एक सेकेंड, यस, हमारे पास अभी सिर्फ क्या है, रो एल अपॉन रो कॉपर इज इक्वल टू एरिया ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन एरिया ऑफ कॉपर. तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि जो रेजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एरिया के, राइट. तो हमने क्या माना है, या होता ही है, हमने माना नहीं है कि एल्यूमिनियम की जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर से. इसका मतलब अगर हम सेम लेंथ का कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो जो एरिया होगा एल्यूमिनियम का वो ज्यादा होगा एरिया ऑफ कॉपर से. एरिया ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ कॉपर. ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट. तो अगर हम एल्यूमिनियम और कॉपर यूज कर रहे हैं तो क्योंकि एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है कॉपर के रेजिस्टिविटी से, इसीलिए जो कंडक्टर का एरिया होगा एल्यूमिनियम वाले कंडक्टर का कॉपर वाले कंडक्टर के एरिया से ज्यादा होगा. चौथा पॉइंट, आई थिंक ये तीसरा पॉइंट है ना, यस, ये तीसरा पॉइंट है. चलिए चौथा पॉइंट हमारा कंक्लूजन है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एल्यूमिनियम is greater than cross section area of copper, right. तो
अब मुझे बताइए, जो वायर आपने देखा होगा वो सिलेंड्रिकल होता है, राइट? एक तरह से आप अगर फ्रंट व्यू देखो तो वो एक सर्कल बनता हुआ दिखाई देगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर एरिया ऑफ एल्यूमिनियम ज्यादा है एरिया ऑफ कॉपर से, इसका मतलब रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कॉपर कंडक्टर। एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कॉपर कंडक्टर, राइट? आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब एक चीज यहां से और एनालाइज करते हैं। अब एक चीज आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या होती है, या आपने EMT में पढ़ा होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा एक और चीज देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, याद रखिए, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये जो r है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कंडक्टर, रेडियस ऑफ कंडक्टर। तो अब मुझे बताइए, एल्यूमिनियम का रेडियस ज्यादा था या कॉपर का, कॉपर कंडक्टर का रेडियस ज्यादा था? अगर हम सेम रेजिस्टेंस की, सेम लेंथ की दोनों कंडक्टर को यूज करते हैं तो जो रेडियस है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एल्यूमिनियम का ज्यादा था, इसलिए रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम ज्यादा था विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ कॉपर। तो अगर रेडियस ऑफ कंडक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। अब रेडियस ऑफ कंडक्टर किसका ज्यादा था, एल्यूमिनियम का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एल्यूमिनियम की क्या होगी, कम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कॉपर, मतलब जब हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे होंगे फ्रॉम जनरेटिंग एंड टू रिसीविंग एंड या लोड एंड, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी रास्ते में वो कॉपर कंडक्टर के केस में ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम कंडक्टर के केस में कम होगी, राइट? तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कॉपर के केस में ज्यादा है और एल्यूमिनियम के केस में कम है, तो इससे हमें क्या फायदा या नुकसान है? तो जो पांचवा पॉइंट, आई थिंक ये चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट लिख लीजिएगा, फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कॉपर कंडक्टर या एल्यूमिनियम के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एल्यूमिनियम कंडक्टर इज लेस देन कॉपर कंडक्टर, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है वो एल्यूमिनियम कंडक्टर के केस में कम है विथ रिस्पेक्ट टू कॉपर कंडक्टर। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, बताइए हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, मान लीजिए ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, हम जनरेटिंग एंड से लोड एंड तक हमने लगाया हुआ है। हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यह है ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन के आसपास क्या होगा, एयर, राइट?
ट्रांसमिशन लाइन के सरफेस के आसपास क्या होगी? एयर होगी, ये जाहिर सी बात है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो क्या होगा, जो एयर है वो क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो ब्रेक डाउन हो जाती है एयर की, और एयर एयर एक तरह से आयोनाइज हो जाती है, और आयोनाइज्ड एयर एक्ट एज अ कंडक्टर। करेक्ट। तो आयोनाइज्ड एयर कंडक्टर की तरह एक्ट करती है, मतलब हमें एक स्पार्क देखने को मिलता है, आप देख सकते हो ये स्पार्क है। इसी को आप बोलते हो, हमें एक स्पार्क देखने को मिलता है, इसी को आप बोलते हो कोरोना। और अब एयर है, एयर का रेजिस्टेंस होगा, उससे करंट फ्लो हो रही है इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क, तो हमें आई स्क्वायर आर लॉस मिलेगा, उसी लॉस को बोलते हैं कोरोना लॉस। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा कंडक्टर आप यूज करोगे तो कोरोना लॉस ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, अगर हम कॉपर कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो कॉपर कंडक्टर की रेडियस कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो एयर जल्दी आयोनाइज होगा, और एयर जल्दी आयोनाइज होगा तो जल्दी एज अ कंडक्टिंग मीडियम काम करेगा, जिसकी वजह से स्पार्क मिलेगा, उसे हम बोलेंगे कोरोना। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप कॉपर का कंडक्टर यूज करोगे तो उसमें आपको कोरोना लॉस ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट लिख लेते हैं ताकि आपके माइंड में ये बना रहे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हाई, तो क्या होगा, एयर आयोनाइज हो जाएगी, एयर आयोनाइज हो जाएगी। एयर आयोनाइज हो गई, उसका मतलब क्या है, वो कंडक्ट करने लग जाएगी, स्टार्ट कंडक्टिंग। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि जो ट्रांसमिशन लाइन के आसपास की एयर है वो कंडक्ट करने लग गई है या एज अ कंडक्टिंग मीडियम काम कर रही है? हमें स्पार्क देखने को मिलेगा, रात में आपने देखा होगा स्पार्क देखने को मिलता है, और इसी को हम बोलते हैं कोरोना। कोरोना के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, राइट, डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कोरोना। और अगर कोरोना है तो एयर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और एयर से करंट फ्लो हो रही है, जिसकी वजह से आई स्क्वायर आर लॉस हमें मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं कोरोना लॉस। कोरोना लॉस के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो हम जब कोरोना लॉस पढ़ेंगे तो उसे हम डिटेल में देखेंगे। अब कोरोना लॉस इंक्रीज हो रहा है, लॉस किसी भी तरह का हो वो अनएक्सेप्टेबल होता है। तो अगर कोरोना लॉस इंक्रीज हो रहा है, अगर कोरोना ज्यादा होगा तो कोरोना लॉस भी ज्यादा होगा, कोरोना लॉस ज्यादा होगा तो ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी क्या है, कम हो जाएगी। तो पूरा मुद्दा क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो डायरेक्टली हमें क्या मिल रहा है, एफिशिएंसी कम मिल रही है, एफिशिएंसी कम मिल रही है, करेक्ट। तो आप खुद से एनालाइज कर सकते हो कि एल्यूमिनियम ज्यादा अच्छा है या कॉपर, तो इसीलिए हम एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है। एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज करने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, जिसकी वजह से एयर आयोनाइज नहीं हो पाती, और कोरोना हमें नहीं मिलता, कोरोना कम मिलता है एक तरह से आप बोल सकते हो, और जिसकी वजह से लॉसेस भी कम होते हैं और एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा, मैं लिखवा रहा हूँ, सिक्स्थ पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमने देख लिया कि एल्यूमिनियम के केस में कम होती है, कॉपर के केस में ज्यादा होती है। सो कोरोना लॉस फॉर एल्यूमिनियम कंडक्टर is less
एज कंपेयर टू कॉपर कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर। अगर कोरोना लॉस कम है तो एफिशिएंसी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एफिशिएंसी फॉर एल्युमिनियम कंडक्टर, ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी है मैं बता रहा हूं, एल्युमिनियम कंडक्टर्स इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ कॉपर कंडक्टर, एफिशिएंसी ऑफ कॉपर कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इन्हीं से तो आपको एमसीक्यूज मिलते हैं राइट, बट आप क्या कर रहे हो अभी तक याद करते थे कि एफिशिएंसी ऑफ इन द केस ऑफ एल्युमिनियम कंडक्टर इज ग्रेटर एज कंपेयर टू एफिशिएंसी ऑफ कॉपर कंडक्टर, बट आपको सारा का सारा रीजन आज पता चल गया राइट। तो ये तो कुछ बेसिक मैंने बताया, अब हम चलते हैं रेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पे। ट्रांसमिशन लाइन को किस टर्म में रेट किया जाता है, आपने देखा होगा जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो दो तरह की इंपॉर्टेंट रेटिंग हमें मिलती है, ये सारे इंटरव्यूज में भी आपको काम आएगा जो मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, हम डीप में भी चलेंगे, गेट लेवल तक जाएंगे, चिंता मत करिए। रेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, रेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन करेक्ट। तो ट्रांसमिशन लाइन को दो तरह से रेटिंग दी जाती है, पहला तो होता है लाइन टू लाइन वोल्टेज, आपने देखा होगा कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे अगर उसमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये फेज वोल्टेज है तब तक आप उसे क्या मानोगे, लाइन वोल्टेज। तो क्वेश्चन में हमेशा लाइन वोल्टेज दिया होता है अनलेस एंड अंटिल वहां पे स्पेसिफाई ना किया हो। तो पहली जो रेटिंग देते हैं हम ट्रांसमिशन लाइन को वो होती है लाइन टू लाइन वोल्टेज, दूसरा होता है एमवीए या अपेरेंट पावर जिसे हम बोलते हैं, तो थ्री फेज एमवीए। तो आप बोलोगे सर लाइन टू लाइन करंट या लाइन करंट हम क्यों नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो देखिए अगर आपको थ्री फेज एमवीए पता है, लाइन टू लाइन वोल्टेज पता है, तो आप लाइन करंट वैसे ही निकाल सकते हो, क्योंकि अपेरेंट पावर क्या होता है, अपेरेंट पावर जिसे आप एमवीए बोलते हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट थ्री इंटू लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट। तो यहां से हम लाइन करंट अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, हम इसी को कैपिटल एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एमवीए को या अपेरेंट पावर को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ से लाइन करंट की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, एस यानी कि अपेरेंट पावर यानी कि एमवीए डिवाइडेड बाय रूट थ्री इंटू लाइन वोल्टेज। तो ये लाइन करंट हमने निकाले तो इसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, अगर लाइन टू लाइन वोल्टेज हमें पता है, थ्री फेज एमवीए पता है, तो आप लाइन करंट ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो राइट। अब दो चीजें देख लीजिए कि एक तो आपने सुना होगा करंट की रेटिंग, एक आपने सुना होगा वोल्टेज की रेटिंग, ये मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता रहा हूं। करंट रेटिंग अगर ये मैं साइड टर्म्स में बता रहा हूं, अगर आपको पूछा जाए कि मेन कौन सी दो रेटिंग्स होती है जिससे हम ट्रांसमिशन लाइन को रेट करते हैं, तो आप बताओगे लाइन टू लाइन वोल्टेज और थ्री फेज एमवीए, ये ट्रांसमिशन लाइन की बात होगी। लेकिन आपने कहीं बेसिक जब हम मशीन भी पढ़ते हैं तो वहां पे दो टर्म आपको देखने को मिलते हैं, करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग। तो किसी भी कंडक्टर की करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग हम कैसे डिसाइड करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, करंट रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग। तो करंट रेटिंग हमेशा डिसाइड हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, और वोल्टेज रेटिंग हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंसुलेशन राइट। या हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर हमें करंट रेटिंग पता हो तो उस हिसाब से हम अपने कंडक्टर का एरिया डिसाइड कर सकते हैं,
या अगर हमें वोल्टेज रेटिंग पता हो तो उस हिसाब से हम इंसुलेशन लगा सकते हैं, क्योंकि करंट रेटिंग क्रॉस सेक्शन एरिया को इफेक्ट करती है और जो वोल्टेज रेटिंग है वो किसे इफेक्ट करता है, इंसुलेशन। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से नहीं मतलब बी फर्स्ट ईयर से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर से, कि करंट रेटिंग अगर ज्यादा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर ज्यादा होता है, अगर वोल्टेज रेटिंग ज्यादा है तो हमें ज्यादा इंसुलेशन लगाना पड़ता है। बट ये हम आज प्रूफ करेंगे, करेक्ट। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो करंट है, या आपने एक टर्म सुना होगा करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जे से। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया से कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है उसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट दैट इज आई अपॉन एरिया, दैट इज ए। अगर हम एरिया को बढ़ाते जाते हैं तो करंट डेंसिटी क्या है, कम होती जाती है, राइट। जैसे आप एक रूम में 100 बंदे हैं और आप रूम का साइज बढ़ाते जा रहे हो तो जो आदमी जो पीपल्स हैं उनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। अगर आप एरिया कम करते जाओगे तो कंजेस्टेड हो जाएगा रूम ना, तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। सेम वही कॉन्सेप्ट है, मतलब जे इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया, राइट। तो करंट क्या होता है, जे इंटू एरिया। अब हम जे को हमेशा कॉन्स्टेंट रखते हैं। अब आप मुझे बताइए, हम करंट डेंसिटी को कांस्टेंट क्यों रखते हैं, हम क्यों चाहते हैं कि जो करंट डेंसिटी है वो कांस्टेंट हो, मतलब जे जो है वो कांस्टेंट हो। बट करंट डेंसिटी जे मस्ट बी कांस्टेंट क्योंकि करंट डेंसिटी अगर कम हो रही है तो भी हमारे लिए डिसएडवांटेजियस है, क्योंकि हमें कंडक्टर का एरिया ज्यादा करना पड़ रहा है, राइट, जिससे कॉस्ट बढ़ेगा। तो करंट डेंसिटी हम कम भी नहीं कर सकते, और अगर करंट डेंसिटी हम ज्यादा करते हैं तो हमें क्या लॉस होता है, ये हम देखते हैं। हम जानते हैं कि करंट डेंसिटी क्या होता है, जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये हमने पढ़ा है। मैं आपको इनका एब्रीवेशन है वो बता देता हूं, जे है आपका करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, सिग्मा है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी का उल्टा, जो रो मैंने आपको बताया था ना उसका जस्ट उल्टा होता है कंडक्टिविटी, और ई आपको मैंने अभी अभी बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए आप कॉपर कंडक्टर यूज कर रहे हो या एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, कॉन्स्टेंट। एक बार आपने कंडक्टर को बना दिया तो फिर आप उसकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी कैसे बढ़ाओगे या घटाओगे, राइट, वो पॉसिबल नहीं है। तो जो सिग्मा है दैट इज कंडक्टिविटी, वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है किसी भी एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए। तो J is directly proportional to E. अब ये तो हमने देख लिया था कि J अगर decrease हो रहा है, current density decrease हो रहा है, तो area को, conductor की area को increase करना पड़ेगा, जो हमारे लिए costly पड़ेगा। अब देखते हैं कि अगर current density को हम increase करते हैं तो क्या होगा। Current density को अगर हम increase कर रहे हैं तो electric field increase हो रही है, और हमें पता है कि अगर electric field increase होती है तो हमें क्या मिलता है, corona loss। कोरोना लॉस आपका इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से एयर क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है, कंडक्ट करने लग जाती है, कोरोना लॉस बढ़ जाता है। मतलब हाई करंट डेंसिटी भी बेनिफिशियल नहीं है, लो करंट डेंसिटी भी बेनिफिशियल नहीं है। मतलब करंट डेंसिटी को हम हमेशा क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट रखते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा।
तो अगर करंट डेंसिटी दैट इज जे की वैल्यू को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। तो अगर करंट ज्यादा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, करंट कम है तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो यहां से हमने ये प्रूव किया कि करंट रेटिंग डिपेंड करती है किस पे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर पे, करेक्ट। अब जो दूसरा हम प्रूव करने वाले हैं वो है वोल्टेज रेटिंग कैसे डिपेंड करती है इंसुलेशन पे, या हम जो इंसुलेशन लगाते हैं किसी भी कंडक्टर में वो डिपेंड करता है वोल्टेज रेटिंग पे। अगर वोल्टेज रेटिंग ज्यादा है तो इंसुलेशन हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि अगर हाई वोल्टेज में कम इंसुलेशन लगा दिया तो क्या होगा, इंसुलेशन ब्रेकडाउन। चलिए ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम सेकेंड देखते हैं, हाउ इंसुलेशन डिपेंड्स ऑन वोल्टेज रेटिंग। बताइए, सोचिए तब तक, हाउ इंसुलेशन डिपेंड्स ऑन वोल्टेज रेटिंग। राइट, तो एक छोटा सा डायग्राम मैं बना देता हूं तब तक। देखिए, ये टॉवर है, आपने देखा होगा टॉवर, मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, बट अभी हम वोल्टेज रेटिंग पे फोकस कर रहे हैं तो उसे देख लेते हैं पहले। ये टॉवर है आपका, ये होता है क्रॉस आर्म, ये वाला जो टर्म है इसे क्रॉस आर्म बोलते हैं, ये है क्रॉस आर्म। ये आपने अपने लोकैलिटी में भी देखा होगा, अपने कॉलोनी में आप जाइएगा तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये है टॉवर और ये हो गया ग्राउंड, ये है आपका टॉवर। यहां पे हमने मान लीजिए लगाया है इंसुलेटर, और यहां से पास हो रही है हमारी ट्रांसमिशन लाइन। ये रेड कलर की जो आपको दिख रही है वो इस तरह से हमारी ट्रांसमिशन लाइन पास हो रही है। ट्रांसमिशन लाइन, अब एक बात बताइए, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ट्रांसमिशन लाइन को हमने टॉवर से टच होने नहीं दिया है। ट्रांसमिशन लाइन और टॉवर के बीच ये जो क्रॉस आर्म है ये भी टॉवर का ही तो हिस्सा है, मतलब टॉवर से और ट्रांसमिशन लाइन से आप देखोगे तो बीच में इंसुलेटर लगा हुआ है, मतलब डायरेक्टली हमने ट्रांसमिशन लाइन को टॉवर से कनेक्ट नहीं किया। ऐसा क्यों कि टॉवर जो होता है वो आयरन या स्टील का, वो हम बाद में देखेंगे, कंडक्टिंग होता है, तो अगर हमने ट्रांसमिशन लाइन को डायरेक्ट टॉवर से कनेक्ट कर दिया तो पूरी की पूरी करंट क्या है, ग्राउंड हो जाएगी, राइट, क्योंकि इसको डायरेक्ट शॉर्टेड पाथ मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक इंसुलेटर लगा देते हैं किसी भी ट्रांसमिशन लाइन और टॉवर के बीच, जिससे ये इंसुलेट हो जाती है और करंट फ्लो नहीं होता। ये तो आइडियली बात है कि करंट फ्लो नहीं होता है, बट क्या प्रैक्टिकली भी बिल्कुल करंट फ्लो नहीं होता है? प्रैक्टिकली बहुत थोड़ा सा करंट फ्लो हो रहा है, जिसे हम लीकेज करंट बोलते हैं, राइट। ये ट्रांसमिशन लाइन, तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से मान लीजिए फ्लो हो रही है, हम इसे बोल रहे हैं लीकेज करंट, लीकेज करंट, राइट। तो कंडक्टर से ग्राउंड का जो वोल्टेज है, ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या है, ये एक तरह से कंडक्टर ही तो है, एल्यूमिनियम कंडक्टर, याद करिए। तो ट्रांसमिशन लाइन से ग्राउंड तक का जो वोल्टेज है उसे हम फेज वोल्टेज बोलते हैं, राइट। तो अगर इसका सर्किट डायग्राम हम बनाएं तो कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। एक सेकंड में सर्किट डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ये
बेस वोल्टेज है, ये इंसुलेटर का रेजिस्टेंस है, ये टॉवर का रेजिस्टेंस। यह है फेज वोल्टेज, यह है आर इंसुलेशन और यह है आर टॉवर। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि यह ग्राउंडेड है, राइट? तो आप देखिए, क्या इस डायग्राम और इस डायग्राम में कोई अंतर दिख रहा है आपको? ये आपका जो प्रैक्टिकल डायग्राम है और इसका इक्विवेलेंट हमने सर्किट डायग्राम यहाँ पे बना दिया। तो आप देख सकते हो कि जो इंसुलेटर्स हैं हमने उसको रिप्लेस कर दिया है आर इंसुलेशन से, ये देखिए, और जो टॉवर है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है रेजिस्टेंस ऑफ टॉवर से, राइट? क्योंकि टॉवर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। और ट्रांसमिशन लाइन से ग्राउंड तक का वोल्टेज है फेज वोल्टेज, करेक्ट? और ये फ्लो हो रही है लीकेज करेंट, तो ये हम मान लेते हैं यहाँ से लीकेज करेंट फ्लो होगी। तो लीकेज करेंट यहाँ से निकालिए, क्या मिलेगा? I leakage is equal to क्या हो जाएगा? Phase voltage divided by resistance of tower plus resistance of insulation। Resistance of insulation का मतलब है एक तरह से insulation ही तो है, ये insulator है तो ये एक तरह से insulation ही है, राइट? तो अब मुझे बताइए, अगर लीकेज करंट को हमें कम करना है या हम अपना ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब जो वोल्टेज हम ट्रांसमिट कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसमिशन लाइन, वो वोल्टेज हम बढ़ाना चाहते हैं। तो मान लीजिए ये फेज वोल्टेज हम बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर हम ये फेज वोल्टेज बढ़ाते हैं तो लीकेज करंट बढ़ जाएगा। तो लीकेज करंट बढ़ने की वजह से हमें कई तरह के डिसएडवांटेज मिलेंगे। जैसे सबसे पहले तो आई स्क्वायर आर लॉस होगा, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस भी है और ये लीकेज करंट भी है, तो सबसे पहले आई स्क्वायर आर लॉस मिलेगा जिसकी वजह से एफिशिएंसी कम हो जाएगी। दूसरा, पर्सनल या लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड है कि लिविंग कोई आदमी यहाँ से गया या कोई जानवर यहाँ से गया तो उसको भी करंट लग सकता है। तो अगर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वी फेज, तो हम नहीं चाहते कि लीकेज करंट भी बढ़े, क्योंकि ये हमारे लिए डिसएडवांटेजेस है। तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस इंसुलेशन का बढ़ा देते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो लीकेज करंट है वो क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट, राइट? तो यहां से आपने देखा कि वोल्टेज अगर हमने बढ़ाया तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमें बढ़ाना पड़ गया, तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसुलेशन, राइट? मतलब अगर वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं तो इंसुलेशन बढ़ाना पड़ेगा, वोल्टेज कम कर रहे हैं तो इंसुलेशन कम करना पड़ेगा। तो दोनों चीजें हमने प्रूव कर दिया कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो करंट डिसाइड करती है और वोल्टेज क्या डिसाइड करता है, इंसुलेशन, करेक्ट? अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए गाइस, तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर सेम पावर ट्रांसफर सेम मटेरियल सेम लेंथ ऑफ लाइन इफ द ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज इज इंक्रीज बाय एन टाइम्स What will happen to the cross section area of conductor? अगर हम transmission line का voltage n times बढ़ा देते हैं, तो जो area of conductor है या cross section area of conductor है, उस पे क्या effect पड़ेगा? वो increase होगा या decrease होगा, right? तो वो हम देखते हैं। तो हमने voltage को क्या किया है? n times बढ़ा दिया है। मतलब जो दूसरा voltage है V2, वो पहले voltage के क्या है? n times, nV1. Right? V1 है पहले वाला वोल्टेज, V2 है बाद वाला वोल्टेज, तो V2 जो है हमने n टाइम्स कर दिया है V1 के रेस्पेक्ट। तो यहां से हमें V2 by V1 क्या मिल गया? N. V2 by V1 का जो रेशियो है हमें मिल गया n। अब आपसे बोला जा रहा है कि पावर ट्रांसफर क्या है? सेम है। पावर ट्रांसफर अगर सेम है
तो वी आई सेम होगा क्योंकि पावर क्या होता है वी आई, तो वी वन आई वन इज इक्वल टू वी टू आई टू बिकॉज पावर ट्रांसफर सेम है। तो यहां से हम आई वन अपॉन आई टू का जो रेशियो है वो क्या निकाल सकते हैं, वी टू बाई वी वन। यह इक्वेशन फर्स्ट, यह इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड से देखिए वी टू बाई वी वन क्या है एन, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आई वन बाई आई टू क्या हो जाएगा एन। और हमने अभी अभी प्रूव किया कि जो करंट है वो क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। इसे ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड, बट वी नो दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो इसे अगर हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू ए वन अपॉन ए टू। तो आई वन अपॉन आई टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं ए वन अपॉन ए टू। तो ये आई वन अपॉन आई टू है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू एन। तो हम ए टू निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा ए वन बाई एन। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया वो एन टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। मतलब अगर हम वी टू को वोल्टेज को एन टाइम्स बढ़ा देते हैं तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एन टाइम्स क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। पहले एरिया ए वन था, बाद में क्या हो गया ए वन बाई एन। करेक्ट। यहीं पे अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर पावर लॉस सेम है तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट right? What will happen if power loss is same right? तो एक सेकेंड, इससे पावर लॉस सेम नहीं मानते, अलग तरीके से सॉल्व करिए वो भी बहुत आसान हो जाएगा। मान लेते हैं कि जो पावर है पावर लॉस है वो क्या होता है I square R। तो अगर हम इसे रेशियो के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा P1 by P2 is equal to I1 by I2 का square multiplied by R1 by R2। और हमने अभी अभी देखा है कि I1 by I2 का जो रेशियो है वो क्या है चेक करिए ऊपर, I1 by I2 is equal to हमने देखा है n, so P1 upon P2 I1 by I2 है n, तो n का स्क्वायर into R1 upon R। बट इस रेजिस्टेंस का क्या करें, हम जानते हैं R is equal to क्या होता है रो एल अपॉन ए, मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा A2 by A1। तो P1 अपॉन P2 n square multiplied by R1 अपॉन R2, अब क्या हो जाएगा A2 अपॉन A1। अब याद करिए A2 अपॉन A1 का जो रेशियो था वो क्या था, अभी इससे पहले ही हमने देखा, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जो A2 बाय A1 का रेशियो था वो 1 बाय n था, अभी हमने निकाला कुछ देर पहले, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू हो जाएगा n, तो P2 इज इक्वल टू P1 बाय n। मतलब पावर लॉस क्या हो गया n टाइम्स रिड्यूस हो गया, पावर लॉस रिड्यूस्ड बाय
एंड टाइम्स। मतलब पूरा का पूरा कंक्लूजन ये है कि अगर हम किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज है वो एन टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का है वो एन टाइम्स रिड्यूस हो जाता है और पावर लॉस जो है वो भी एन टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इसने घुमा दिया। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सब कुछ सेम है जैसा हमने पहले सॉल्व किया क्वेश्चन, बस यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पावर ट्रांसफर वहां भी सेम था, मटेरियल वहां भी सेम था, लेंथ वहां भी सेम थी। यहाँ पे इसने क्या बोला है कि सेम पावर लॉस अगर सेम है और अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं एन टाइम्स, तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पावर लॉस अगर सेम है, पावर लॉस क्या है, कॉन्स्टेंट, तो क्या हो जाएगा, आई वन स्क्वायर आर वन इज इक्वल टू आई टू स्क्वायर आर टू। बोला जा रहा है कि वोल्टेज को हमने एन टाइम्स बढ़ा दिया है, मतलब पहले वी टू क्या हो गया है, एन टाइम्स ऑफ वी वन, मतलब वी टू बाई वी वन है एन। ये क्लियर हो गया। अब यहां से हम रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं, तो आई वन अपॉन आई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर टू बाई आर वन। अब आप याद करिए, I1 by I2 का रेशियो हमने क्या निकाला था पिछले क्वेश्चन में, सेम वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे भी लगाना है। तो पिछले क्वेश्चन में I1 by I2 का रेशियो हमने निकाला था n, राइट, तो n का स्क्वायर इज इक्वल आर टू बाई आर। अब हम जानते हैं R इज इक्वल टू रोयल अपॉन ए, मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो R2 by R1 is equal to क्या हो जाएगा, A1 by A2, तो A1 upon A2 is equal to N square, तो A2 क्या हो जाएगा, A1 by N square, मतलब एरिया जो है यहाँ पे वो रिड्यूस हो जाएगी N square times, करेक्ट, एरिया N square times रिड्यूस हो जाएगी। पहले क्या हो रहा था, एरिया N times रिड्यूस हो रही थी, अब n स्क्वायर टाइम्स रिड्यूस हो गए। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, फॉर सेम पावर ट्रांसफर, सेम पावर ट्रांसफर, सेम मटेरियल, सेम लेंथ, सेम पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप, इफ वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बाय एन टाइम्स देन व्हाट विल हैपन। Area of cross section of conductor, area of cross section of conductor इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको, अब जो पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप है वो सेम है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, I इंटू आर, राइट, I इंटू आर होता है वोल्टेज ड्रॉप। अब पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप अगर पूछा जा रहा है, पर यूनिट का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, I R का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, तो अगर हम वोल्ट से डिवाइड कर देते हैं तो ये पर यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब I R अपॉन वी होता है पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप। अगर इसे हम रेशियो के फॉर्म में लिखें
तो रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आई वन आर वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू आई टू आर टू अपॉन बी टू, यानी कि आई वन अपॉन आई टू मल्टीप्लाइड बाई बी टू बाई बी वन इज इक्वल टू आर टू बाई आर वन, करेक्ट। अब आई वन बाई आई टू याद करें, आई वन बाई आई टू हमने क्या लिया था पिछले क्वेश्चन में, एन, क्योंकि यहाँ पे भी तो वोल्टेज को हम एन टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब V2 by V1 है N यहाँ पे, राइट। तो I1 by I2 क्या हो जाएगा, N मल्टीप्लाइड बाई V2 by V1 क्या है N, क्योंकि हम वोल्टेज को N टाइम्स बढ़ा रहे हैं, I1 by I2 का रेशियो N है, पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला हुआ है, राइट। तो ये हो जाएगा R2 by R1, तो R2 by R1 is equal to n square. अब हम जानते हैं resistance is inversely proportional to cross section area because R is equal to rho L upon A. तो R2 by R1, यहाँ R is inversely proportional to area है, तो R1 upon R2 या R2 upon R1 करते हैं, R2 upon R1 is equal to A1 अपॉन ए टू, तो आर टू अपॉन आर वन को हमने लिख दिया ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू एन स्क्वायर, तो ए टू यहाँ से क्या हो जाएगा ए वन बाई एन स्क्वायर। तो इस केस में भी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो एन स्क्वायर टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, तो आपको देखने से यहाँ से पता चल गया होगा, ये केस है डिस्ट्रीब्यूशन का, और इससे पहले वाला केस था फीडर का, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आज सिंक्रोनस का भी एक वीडियो मिलेगा आपको, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, लाइटनिंग या टाइप्स ऑफ ओवर वोल्टेज, टाइप्स ऑफ ओवर वोल्टेजेस, जिसमें हम देखेंगे दो टाइप के ओवर वोल्टेज होते हैं, एक लाइटिंग ओवर वोल्टेज जो बिजली गिरने की वजह से होता है, दूसरा होता है स्विचिंग ओवर वोल्टेज, राइट। तो दूसरा हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंडक्टर, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, जिसमें हम ये देखेंगे कि जब हम ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर, आपने देखा होगा हमेशा सिलेंड्रिकल शेप का होता है, उसका जो ऊपर का सरफेस है वो स्मूथ होता है, तो ऐसा क्यों हम सिलेंड्रिकल क्यों लेते हैं या सर्कुलर कंडक्टर ही क्यों यूज करते हैं, जो वायर है आपने देखा होगा वो सिलेंड्रिकल होता है, ट्राइंगुलर रेक्टेंगुलर और किसी शेप का क्यों नहीं होता, तो नेक्स्ट वीडियो में ये आपको देखने को मिलेगा। तीसरा हम देखेंगे स्किन इफेक्ट क्या होता है, ये आएगा आपका नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तो ये मान के चलिए कि थर्टी सितंबर तक पावर सिस्टम हम कंप्लीट कर लेंगे, पावर सिस्टम कंप्लीटेड, और हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और आप कोई और चेंजेस चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हो, और हमारा जो ग्रुप है रावेंद्र एकेडमी के नाम से टेलीग्राम पे, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि ये पहला लेक्चर है, और आज शाम को सिंक्रोनस मशीन का एक और लेक्चर आएगा, डेली हम एक से डेढ़ घंटे की क्लासेस करेंगे, आज हमने रिकॉर्डिंग अपलोड किया है, बट दो से तीन दिन में हम लाइव आना शुरू हो जाएंगे, राइट। तो दो तीन क्लासेस के बाद हम लाइव कंप्लीट करेंगे पावर सिस्टम को, उसकी टेंशन मत लीजिएगा।
तो थैंक यू वेरी मच, चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।